नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल रितिक बॉस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज जैसा कि आप जानते हैं कि 12 तारीख को 12 जनवरी 2019 को एग्जाम होना है IIBA का। तो इसमें दोस्तों अगर हम लंबा क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें हमको अब तैयारी करने का टाइम नहीं है, इसलिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आए हैं तो उसमें हम विस्तार से समझ पाएंगे कि टॉपिक बाय टॉपिक। उसमें हम बताते पहले दोस्तों टॉपिक बाय टॉपिक, उसमें 5 टॉपिक दिया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ सिर्फ सिलेबस देख सकते हैं, सिलेबस में 7 है, तो ये 7ों के ऊपर हम दोस्तों एक एक करके, हमारा रेगुलर वीडियो आने वाला है, 7 वीडियो आएगा इस पे, जो कि आप एक एक वीडियो अगर देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उसमें अच्छा बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों पहला जो आज हमारा है वो है बैंक की भूमिका कार्य। बैंक हमारा क्या कार्य करता है, उसका क्या भूमिका है, तो इसके बारे में हम विस्तार से थोड़ा जानेंगे। एक एक करके हम उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, हम पूरा उसको पढ़ लेंगे कि इसका भूमिका और कार्य क्या है। तो हमारे को ये आसान लगता है दोस्तों, ऐसे अगर हम पढ़ते हैं तो हमें आसान लगता है, और आपको, आप अपना बताएं कि ये कैसा लगा आपको। तो चलिए दोस्तों हम सीधा चलते हैं उस टॉपिक की ओर, बैंक की भूमिका और कार्य। तो देखिए दोस्तों, इसको मैंने एक एक्सेल फाइल में, इसको मैं आज कहीं से कॉपी करके और इकट्ठा किया हूं और इसको एक पीडीएफ फाइल भी बनाया हूं। तो यहाँ पे जैसे वाणिज्य बैंकों के कार्य, व्यापारिक बैंक के कार्य का शुरुआत अध्ययन के लिए उन्हें निम्न 5 भागों में वर्गीकृत किया जा रहा है। तो यहाँ से अब जैसे हम सीधा देख सकते हैं दोस्तों कि बैंक का कार्य क्या होता है, जमा स्वीकार करना, ऋण देना, अभिवक्ता संबंधित कार्य, विविध कार्य और शाखा निर्माण संबंधित कार्य। तो इस तरह से जो है दोस्तों कि इसमें काफी सारे आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे जैसे है, इस खाते में प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, खातेदार जमा राशि के कभी भी और कितनी बार भी निकाल सकता है, बैंक ही खातेदार का हिसाब रखता है। तो यहाँ पे ये सारा चीज इस पीडीएफ के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगा। जैसे यहाँ गृह बचत खाता, सेविंग अकाउंट का पूरा जानकारी इसमें हमें मिल जाएगा। तो ऐसे ही, और यहाँ पे देखिए फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का आपको यहाँ पे पूरा जानकारी मिल जाएगा। तो इसी तरह से जो है दोस्तों कि आपको ऋण देते समय सावधानियां, ऋण देते समय बैंक को 2 प्रकार की सावधानियां रखता है, तो एक टॉपिक हो गया। तो इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे इसका टॉपिक बनाया हुआ है, बैंक निम्नलिखित 2 शर्तों पर ऋण देता है। तो एक शर्त आप ऊपर देखे, और एक सुरक्षित ऋण, ऋण के प्रकार, आप कितने प्रकार के ऋण होते हैं, ऋण का प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है। तो और यहाँ पे देखिए ओवरड्राफ्ट क्या है, ओवरड्राफ्ट के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। तो हमारा दोस्तों जो क्वेश्चन आता है इसी तरह का बिल्कुल आता है। तो अगर इसको आप एक एक टॉपिक को बिल्कुल शॉर्ट में समझेंगे तो यहाँ से हमारा अगर 10 क्वेश्चन भी बनता है तो 10 क्वेश्चन का हल हमें यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर दोस्तों अगर हम बुक से पढ़ते हैं तो उसमें हमें ऑब्जेक्टिव याद करना पड़ता है, जो कि ऑब्जेक्टिव अब हमें याद करने का यहाँ पे टाइम नहीं है। तो इन बैंकों के अभिवक्ता संबंधित कार्य निम्नलिखित हैं, भुगतान का संग्रहण, धन का हस्तांतरण, ग्राहकों की ओर से भुगतान, बैंक भुगतान संबंध ग्राहक को आदेश को भी पूरा करता है, उदाहरण के लिए चंद बीमा की किस्त कर ब्याज ऋण की किस्तों आदि का कार्य विक्रय बैंक करते हैं। तो इस तरह से जो है दोस्तों कि आपको इसमें पूरा जानकारी मिल जाएगा बैंक का कार्य का। तो आप इस पीडीएफ के माध्यम से पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और एक नजर इसको देखें कि इसमें आपको कैसा लगता है, और अगर अच्छा लगता है दोस्तों तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से आपको इस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे और आप मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं। या ये 10 पेज का एक पीडीएफ है, बहुत छोटा सा, 200 KB का एक पीडीएफ है, जिसको आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूले, और शेयर करना तो बिल्कुल मत छोड़े, क्योंकि काफी सारे लोग का एग्जाम है तो वो भी एक नजर इसको देख के थोड़ा सा अपना अंदाज लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।